नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सतवारी चौक में है जहां पर आज जम्मू आरसपुरा सौ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना नामांकन भरने जा रहे, नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और देखिए यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ ये जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में झंडे लेकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। और कुछ ही देर में नरेंद्र सिंह रैना जो है वो पहुंचेंगे यहाँ पर और ढोल नगाड़ों के साथ ये बताएंगे ढोल बज रहे और मुकाबला बड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और मुकाबला खड़ा होने वाला है, मुकाबला खड़ा होने वाला है। क्या कहना चाहोगे? बस भी मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब भी और जानू भी अभी हमारे जिंदाबाद, हमारे जानू भी अभी जिंदाबाद, जानू भी है जिंदाबाद। और इस समय आप देख रही है यहाँ पर अब मुकाबला कड़ा होने वाला है क्योंकि अब रमन मल्ला होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के सामने आप कड़ी टक्कर लेकर आए हैं। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी रमन भल्ला यानी जम्मू आरसपुरा सौ से उतारा इस चुनावी मैदान में और कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लगातार बड़ी देरी से ये लिस्ट जो सामने आई, कल कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट सामने लाई है और अब दिग्गज होंगे मैदान में और घमासान देखने को मिलेगा सियासत की रणभूमि में। और जम्मू की सियासत बड़ी निराली है यहाँ पर, अब जब तक पोलिंग नहीं हो जाती तब तक इसी तरह की रौनकें आपको देखने को मिलेंगी। प्रणाम जी सर, ये क्या कहोगे आप? आज हमारे बड़े भाई डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। देखिए पूरी आरसपुरा जम्मू की साउथ की जनता में कितनी खुशी की लहर है, सभी जितने भी लोग हैं यहाँ वोटर हैं वो अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ रोडों पर खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनमें जोश है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, उनमें एक भावना है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो ईमानदार कैंडिडेट आया है वो हमारी नुमाइंदगी करे। सभी जनता, माताएं बहनें बुजुर्ग सारे नौजवान साथी सभी यहाँ सतवारी, जहाँ से हमने ये शुरू किया नॉमिनेशन का फॉर्म का प्रोसीजर उसको आगे मुकाबला अब टक्कर का होगा। एक तरफ रमन भल्ला कांग्रेस के और दूसरी तरफ भाजपा के नरेंद्र सिंह, कोई नहीं है टक्कर में, भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसी और भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी सबसे आगे। इस समय जूम देखेंगे लोगों की, जो लोग अपने जूम है जूम देखिए, जो वोटर है, जो वोटर होता है वो जान हमेशा सामने आएगा लोग आशीर्वाद देने के लिए। जन स्मार्ट मीटर के लिए क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर देखिए आज जो इलेक्शन है वो एक पॉजिटिव सोच के ऊपर है, एक राष्ट्रीय सोच के ऊपर है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे प्रधानमंत्री मोदी जी के नुमाइंदे, एक पॉजिटिव सोच है। स्मार्ट मीटर का क्या मतलब है, क्या मेन है उसका करेंगे देख लीजिए। स्मार्ट मीटर का नाम लेते ही बोलती बंद। स्मार्ट मीटर का जो है जो स्मार्ट मीटर का नाम नहीं, सर को प्यास लगी क्योंकि इनके पास भी हम समझते जवाब नहीं है। स्मार्ट मीटर की जो देन है देखिए, स्मार्ट मीटर का गरीब गरीब महिला जो बुजुर्ग है जो विधवा, हमारे मैनिफेस्टो को अगर पढ़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़े उसमें हमने उसका मेंशन किया हुआ है कि जो लाया क्यों था, अगर मैं बाद में ही करना था कोई भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं उसके मेरिट डिमेरिट्स होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही। जनता को विश्वास था भारतीय जनता पार्टी पर के जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, देश के लोगों का सोचती है, पर स्मार्ट मीटर आते ही लोगों ने अपनी सोच बदल दी है। देखिए स्मार्ट मीटर के ऊपर भी जो इलेक्शंस के बाद जो सरकार बनेगी वो निश्चित कोई अपना अच्छा फैसला लेगी। लाए क्यों ऐसा फैसला, थोपा ही देखिए लोगों की भलाई के लिए कोई हर कार्य की जाएगी। बताइए
एक माँ जो है वो विधवा महिला है, उसका 500-200 बिल आता था, अब उसका 5,000-10,000 पकड़ा दोगे वो महिला कहाँ जाएगी? रश्मि जी, उसको हमने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है, मैनिफेस्टो में क्लियर कट मेंशन है कि जो एक्सेस बिल आएंगे उनके ऊपर जरूर उनको माफ किया जाएगा। वही तो कह रही, ऐसी नौबत आई ही क्यों? नौबत के लिए देखिए, ये जो सिस्टम है ये गवर्नमेंट सिस्टम से होते हैं, उनको गवर्नमेंट का सिस्टम मानते हैं उसमें होता है, अगर उसमें करते हैं उसमें सिस्टम के हिसाब से है। चलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से स्वागत की जा रही है, भैया भी खुश है, सब की दृश्य हम आपको बता रहे हैं सफारी से, और जोर से जाने वाले भैया भी बड़े खुश नजर आ रहे थे कि चेहरे की खुशी अलग है। चले कुछ दिन के लिए इनका काफी फले फूलेगा, और अभी कुछ ही देर में नरेंद्र सिंह पहुंचेंगे और यहाँ पर इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ता, इनकी जो है यहाँ पर पूरी तैयारी है और इनके स्वागत की तैयारी है, और आज नामांकन भरेंगे। और देखिए भैया जी डांस करते हुए सबसे ज्यादा जी को है, आप देखिए भैया को सब सबसे ज्यादा खुशी तो भैया जी को लग रही है। हाँ जी, पंजाब से आए हैं, हमारे राष्ट्रीय सेक्रेटर हैं जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं जो डॉक्टर नरेंद्र रैना जी, आज उन्होंने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल करने थे, और मैं मुक्सर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, एमएलए की टिकट दी थी मेरे को डॉक्टर नरेंद्र रैना जी ने, तो आज हम मुक्सर से, और मेरे साथ अनिल विलेचा जी जो प्रदेश कार्यकारी मेंबर हैं वहाँ से पंजाब से, जलालाबाद से हैं वो भी आए हैं, तो आज उनके नॉमिनेशन फाइल करने हैं, तो हमारा सौभाग्य है इतना बड़ा रश, और आरएसपीवा के सभी लोग और सभी कार्यकर्ता आज इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं, और ये अच्छी सोच है पार्टी की, और लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन से डॉक्टर साहब जीतेंगे और जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है रूप है जो भाजपा का और मोदी जी। पंजाब से आके आपने भी टिप्पणी कर दी। हाँ बिल्कुल जी, और हम पंजाब से आए हैं तो आते ही हमें लग रहा है जब जैसे जम्मू में एंटर किए तो लगता है भाजपा में ही हो चुका है, और आज जो डॉक्टर साहब का नॉमिनेशन है तो इसमें जैसे भाजपा कार्यकर्ता का जो जोश है उससे लग रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी आरएसपीवा में बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। क्या बात है, सर ने भी कह दिया, टिप्पणी कर दी, पंजाब से आए हैं नरेंद्र सिंह राणा जो है इन्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और जिस तरह से आपको बताया गया दो दिग्गज होंगे इस चुनावी रणभूमि में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह राणा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के रमन भल्ला, आप देखना है कौन किस पर भारी होगा, इन नेताओं की किस्मत का पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट की घोषणा होगी। अब जनता पूरी तरह से तैयार है अपने नेताओं को चुनने के लिए, अपने वोट की ताकत जो जनता के हाथ में है उसे, और जब हम स्मार्ट मीटर की बात करते हैं तो कहते सरकार की नीतियां, और सरकार की ऐसी नीतियां की जो जनता पर भारी पड़ जाए। हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम अपनी जनता का समर्थन करते हैं, जहां पर जनता के साथ अच्छा हो, उनके हक की बात हो, हम जरूर वो करते हैं, और जहां पर जनता परेशान हो वो भी हम आप तक के समक्ष लाते हैं। और इस समय सतवारी चौक से आपको लाइव दृश्य हम बता रहे, कुछ ही देर में जो काफिला है नरेंद्र सिंह रैना का, जो जम्मू आरसपुरा सौथ से प्रत्याशी है, वह पहुंचने वाले, और आपको पूरे दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से लाइव तस्वीर है इस समय जम्मू के सतवारी चौक से, इस समय नामांकन यानी कि नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं आरसपुरा एसडीएम ऑफिस में, और आप देख रहे हैं इनके समर्थक इनके साथ हैं, कौन किस पर भारी होगा ये आने वाला समय बताएगा। एक तरफ भाजपा के नरेंद्र सिंह और दूसरी तरफ रमन भल्ला, दो दिग्गज होंगे एक मैदान में। कितनी खुशी है आज आप नामांकन भरने जा रहे हैं, खुशी है, कार्यकर्ताओं में जोश है, वो लोगों का आशीर्वाद है जी। जी क्या कहना चाहेंगे आप, भारत जम्मू साउथ के लोगों से बोलो।
देखिए ये भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सड़कों पे उतरी है और क्लीन स्वीप जम्मू खिता पूरा क्लीन स्वीप और कश्मीर में आसान है, इतना आसान है कि दूसरी तरफ अमन बल्ला है कांग्रेस के। अरे चिंता मत करो, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। हम राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन देश के विधर्मियों को भारत की जनता जम्मू कश्मीर की जनता इस पर सबक सिखाएगी। स्मार्ट मीटर की लड़ाई लड़नी है, अब डेली वेजर की लड़ाई लड़नी है। जनता की भावनाओं को समझते हुए हर वो फैसला होगा जो जनता के हित में होगा। की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं सतवारी से, और देख रहे हैं यहाँ पर पूरा काफिला नरेंद्र सिंह राणा जी का काफिला, और इनका काफिला जो है जा रहा है आरसपुरा पे एसडीएम ऑफिस में नामांकन भरने के लिए। रश्मि जी की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। मैं थोड़ी नामांकन करने जा रही हूँ। अरविंद रैना की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थले थले। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी की बल्ले बल्ले। साथ में आगे रमन बल्ला जी, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है बीजेपी की टक्कर में। ठीक है, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी जिंदाबाद। और समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से सतवारी चौक से। एक तरफ विक्रम रंधावा जम्मू बाउस और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह रैना जो कि आरसपुरा साउथ से। और इस समय के दृश्य में आपको बताया कि अभी काफिला जो था जो जम्मू आरसपुरा साउथ के प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी का काफिला यहां से होते हुए आरसपुरा एसडीएम ऑफिस की ओर जा रहा है। और देखा आपने समर्थकों की भीड़ है, और ये कह रहे हैं कि हम पहले ही जीते हुए हैं, ये कह रहे हैं हम जीते हुए हैं और बड़ी लीड के साथ। चलिए, जीत का हर कोई सपना लेकर चलता है, और देखना यह कि अब इस चुनाव में जो दिग्गज उतरे हैं वो किस कदर अपना दमखम दिखाते हैं। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। चलिए, यहाँ के लोकल भैया गाड़ी में मिले, इनसे जानते, जनता की राय भी जानती। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत चोपड़ा। रंजीत, क्या लगता है जो इस समय जो आरसपुरा जम्मू आरसपुरा सौ सीट है, एक तरफ रमन भल्ला है कांग्रेस के, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह राणा, क्या लगता है कौन? इनकी जमानत जब्त है भल्ला साहब की, पर अभी तो काफी काफिला जा रहा है, काफिला खाली है, बीच में छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हुए हैं। देखिए भैया ने क्या कह दिया, शायद किसी को ये बात अच्छी ना लगे, उन्होंने कहा बीच में छत्तीसगढ़ के लोग बैठे हैं, इन्होंने कहा इनकी जमानत जब्त है, ये हम एक जनता से हमने राय ली है।
और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। और अमन भल्ला जी के भाई फिर से मिल गए आज हमें, विनोद भल्ला जी। आपने अच्छा चलाया, ठीक ठाक। क्या हुआ? बस मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं, आज क्या कहना चाहोगे? नहीं, आज कुछ नहीं, हम जा रहे हैं बस, हमारी शुभकामनाएं नरेंद्र भाई के साथ हैं। सिर्फ इन्हीं के साथ और किसी के साथ नहीं? नहीं, सबके साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं बिल्कुल। हम नरेंद्र भाई मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं, हमने जितने भी भाजपा के समर्थक हैं हम दिल जान से। आपका इंटरव्यू किया, काफी लोगों ने पसंद किया उस इंटरव्यू को, पर लोग कह रहे थे कि इलेक्शन के दिनों में ही रमन भल्ला जी के भाई जी को क्यों याद आया? तो किसके साथ बात? भाजपा में जाना। देखो, वो भाजपा की आइडियोलॉजी। आप सुनो मैडम, मेरी बात ये भी, आप कहते हैं हम कड़वे सवाल करते हैं, हम भी कड़वे सवाल करते हैं, क्योंकि हम एक साधारण आदमी है, हमारी सुनवाई कहीं तक नहीं है। हर आदमी रमन भल्ला के साथ चलता है, ना मीडिया सपोर्ट करती, ना पुलिस हमारी सपोर्ट करती। आज सुनो, आज हमारे आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, हमने मीडिया क्यों नहीं सपोर्ट करती? मीडिया को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आज सुनिए, हमारी रमन भल्ला के आगे हमारी आपने किया, बहुत अच्छा किया आपने, पूरा आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू। आप कैसे कह रहे मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल खिलाफत हो सकते हैं, घर की बात है, घर में रहिए, सियासत के साथ मत करिए। मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि रमन भल्ला के आगे समाज में भी कोई उसके डर के मारे हमारे साथ चलने, क्या डर को डाने क्या? लेकिन वो तो नेता है, लेकिन आज आपने आज आपने हमारी सपोर्ट की, पब्लिक हमने सपोर्ट नहीं की, हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम जनता की सपोर्ट करते हैं। आज आपने दिखाते हैं, आपका दिखा कांग्रेस, आज आपने हमारी बात, आज आपने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई, हम सबका आपका धन्यवाद करते हैं और भाजपा का हम पूरा डट के समर्थन। आप हमारे साथ क्यों टकरा रहे? नहीं नहीं, ऐसा क्या सर? थैंक यू, धन्यवाद। रमन भल्ला जी के भाई, ओ ओ सर, चौधरी जी हमारे साथ हैं। जय श्री राम जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, और आज बीजेपी की जो कैंडिडेट है हमारे डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। जितने भी लोग हैं इंडिपेंडेंट खड़े हैं, कांग्रेस के खड़े हैं, जो भी है सबकी जमानत जब्त। अभी आम जनता कह रही है, निकले हमने ऐसे रिव्यू लिए, कहते हैं इनकी जमानत जब्त, इनकी जमानत जब्त नहीं होगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। आप भी यहाँ पे, हम भी यहाँ पे, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। साफ तौर पर देख रहे हैं, एक घमासान देखने को मिल रहा है, एक घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं भाजपा की जमानत से हलबत होगी, और भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं कांग्रेस की जमानत, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाजपा की जमानत हलबत होगी। सबको अपना अपना धर्म है, सब अपने धर्म का सम्मान करते हैं, मान करते हैं। राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, हर कोई जानता है अपने धर्म की किस तरह से रक्षा करनी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं जनाब। ये राजनीति है, और राजनीति राजनीति की तरह करिए। फिलहाल अभी हमने आपको पूरे दृश्य बताया, और अचानक हमें रमन भल्ला जी के भाई भी मिल गए, और हमने उनके कड़वे सवाल भी किए, शायद उन्हें हमारे सवाल अच्छे ना लगे हों। और हमने उन्होंने कहा कि रमन भल्ला जी का खौफ है, खौफ तो सारे नेताओं का होता है जिनके पास पावर होती है, तो डरती है जनता बात करने से भी, तो फिर एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे तो सवाल तो हम पर भी उठेंगे ना, कि आज ही इलेक्शन के दिनों में आपको क्यों याद आया, कि आज आपको कैसे भाजपा की नीतियाँ अच्छी लग रही, आइडियोलॉजी लग गई अच्छी। इलेक्शन है, कुछ भी होता है, वो उधर आदान प्रदान होगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, पर आखिरी फैसला बार बार कहते हैं हमारी जनता का होगा, आखिरी फैसला हमारे डेली वेजर्स का होगा, आखिरी फैसला हमारे होमगार्ड्स का होगा, आखिरी फैसला हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का होगा, आखिरी फैसला हमारे एसपीओस का होगा, आखिरी फैसला हमारी आशा वर्कर्स का होगा, आखिरी फैसला हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स का होगा, आखिरी फैसला हमारे उन युवाओं का होगा जो युवा रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे कि ओवरेज हो गया, 10 साल के बाद कांस्टेबल की पोस्टें निकली है पर उन्हें नहीं मिली हैं। आखिरी फैसला आम इंसान का होगा, आखिरी फैसला उस नारी का होगा, आखिरी फैसला बुजुर्ग का होगा, आखिरी फैसला उस हैंडीकैप का होगा जो सड़कों पर उतरे दिव्यांग होने के बाद भी उनका कोई काम नहीं हुआ। चलिए, ये आने वाला समय है जनाब, समय बड़ा बलवान है, समय की प्रतीक्षा कीजिए। 8 अक्टूबर को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिसको जनता समर्थन करेगी चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिसे जनता समर्थन करेगी जीत उसी की होगी। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।